नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विनोद सिंह की जीत पर अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। अभिनंदन समारोह में भाजपा नेता कार्यकर्ता सहित तमाम लोग हुए शामिल। समारोह में एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह की जीत के लिए विनोद सिंह ने मतदाताओं से की अपील। धनपतगंज के देहली बाजार स्थित हर्ष महिला पीजी कॉलेज में हुआ आयोजन। सुल्तानपुर विधानसभा से भाजपा के सिंबल पर निर्वाचित होने के बाद पूर्व मंत्री विनोद सिंह का स्वागत व अभिनंदन समारोह लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज धनपतगंज के देहली बाजार स्थित हर्ष महिला पीजी कॉलेज में अभिनंदन व स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। अतः कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज प्रबंधक विकास शुक्ला द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रतिनिधि रंजीत कुमार, एमएलसी भाजपा प्रत्याशी के पुत्र डिंपल सिंह भी मंचासीन रहे। वहीं इलाके के दर्जनों बीडीसी और ग्राम प्रधानों ने विनोद सिंह को जीत पर बधाई दी। लोगों को संबोधित करते हुए विनोद सिंह ने चुनाव में मिली जीत पर सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही आगामी 9 अप्रैल होने वाले एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह को भारी बहुमत से जितवाने का अनुरोध किया। विनोद सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की रफ्तार तेज हुई है। उसी तरह यहाँ भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह विजयी होते हैं तो तमाम अन्य विकास कार्य उनके मत से भी कराए जाएंगे, जिससे जिले के सर्वागीण विकास में मदद मिलेगी। वहीं विनोद सिंह ने धनपतगंज ब्लॉक के लोगों से कहा कि योगी मोदी के राज्य में अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से प्रधान और बीडीसी को संबोधित करते हुए विनोद सिंह का कहा कि आप लोग निर्भीक होकर एमएलसी चुनाव में मतदान करें। आम जन से भी उन्होंने अन्याय और अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। इस दौरान कार्यक्रम में बलराम मिश्रा, बबलू फाइटर ब्रजेश भूषण मिश्रा, त्रिनेत्र पांडे, संतोष सिंह सहित तमाम प्रधान और बीडीसी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से संजय तिवारी की खास रिपोर्ट।